बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। रियान पराग सोशल मीडिया पर इतने ट्रोल क्यों होती है? रियान पराग से आखिर लोगों को इतनी दिक्कत क्या है? ये सवाल का जवाब खुद रियान पराग ने दिया है और जिस अंदाज में उन्होंने सवाल का जवाब दिया है शायद ही कोई खिलाड़ी इंटरव्यू में इतना खुलकर अपनी बात रख पाता है। तो आपको पूरा इंटरव्यू आपको बताएंगे कि क्या क्या सवाल पूछा गया और किस तरीके से रियान पराग ने जवाब दिया, उसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और प्लीज अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। अब आते हैं दरअसल इस खबर पर। रियान पराग जिन्होंने देवधर ट्रॉफी में हाल ही में जो देवधर ट्रॉफी खेली गई उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, जबरदस्त प्रदर्शन किया। आए दिन वो सोशल मीडिया पर अपने खराब प्रदर्शन की वजह से ट्रोल होते रहते थे, लेकिन यहां पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। और अगर मैं उनके आंकड़े बताऊं तो 5 मुकाबलों में उन्होंने जिस तरीके से रन बनाए, अगर आप देखिए 5 मैचों में 354 रन बनाए, इस दौरान उनका जो औसत रहा है 88 से ऊपर का रहा इस दौरान, और साथ ही उन्होंने 11 विकेट भी निकाली। फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने 95 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी और शायद अगर वो अंत तक रहते तो शायद टीम को मुकाबला जितवा देते, जिसके बाद अधिकतर जगहों पर उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया और इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई लोगों को आपसे इतनी दिक्कत क्या है, इस पर जो जवाब रियान पराग ने दिया वो मैं आपको बताता हूं। रियान पराग ने कहा कि लोगों को मेरे च्युइंगम चबाने से दिक्कत है, लोगों को मेरा कॉलर अगर ऊपर है तो उससे समस्या है, मैं कैच लेने के बाद जश्न मनाता हूं तो लोगों को समस्या है, उन्हें मेरे खाली समय में गेमिंग और गोल्फ खेलने से दिक्कत है। ये सारी दिक्कतों की लिस्ट रियान पराग ने खुद बताई। इसके बाद भी वो चुप नहीं रहे। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा है कि लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं, रियान पराग ने कहा कि उन्हें अंदाजा है कि लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। आपको क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए इसके बारे में एक रूल बुक है, टी शर्ट को अंदर रखनी चाहिए, कॉलर को नीचे रखनी चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल विपरीत, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया क्योंकि यह मजेदार गेम है और मैं अभी भी मजे के लिए क्रिकेट खेल रहा हूं। लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि मैं इतने बड़े स्तर पर कैसे खेल पा रहा हूं और मैं इसका आनंद ले रहा हूं। यही रियान पराग की खासियत है कि उनका एक एटीट्यूड की जो लोग बात करते हैं उसके बारे में उन्होंने बोला कि देखिए मैं क्रिकेट का आनंद ले रहा हूं, लोग इसको एटीट्यूड समझ लेते हैं। और कहीं ना कहीं रियान पराग के बारे में जो खासियत है कि उनके बारे में उनका जो एक स्वभाव इस तरीके का रहता है, जिन ट्विटर पर कुछ ट्वीट कर देते हैं जिस पर वो ट्रोल हो जाते हैं, पर उनकी बल्लेबाजी जो देवधर ट्रॉफी में देखिए कमाल की बल्लेबाजी देखिए, जिसके बारे में सबा करीम ने भी ट्वीट किया था कि भाई जो काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर, जो शॉट लगाने की काबिलियत है, अगर वो लगातार अच्छे कर जाएं तो फिर ये टीम इंडिया के लिहाज से भी बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसे में देखेंगे रियान पराग के जो प्रदर्शन रहा है देवधर ट्रॉफी का, उम्मीद करेंगे आगे भी जारी रखे और एक बड़े स्टेज पर भी ये रन कर पाए। बाकी आपको रियान पराग की बल्लेबाजी कैसी लगती है और साथ ही रियान पराग की बेबाकी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके अगर आप रियान पराग के फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।